स्वागत करें ताकि उनके दाहिने हाथ एकत्र होकर वे स्वर्ग राज के अधिकारी हो सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु आ तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुपीत और राज्य करते हैं। प्रभु के वचन को सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं दाऊद के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करूंगा। प्रभु का यह कहना है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इसराइल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उन दिनों उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्म वसन उत्पन्न करूंगा जो देश देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। यह प्रभु की वाणी है। याद दिलाते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। यह पात्र प्रेम हमें यीशु के आगमन के लिए योग्य रीति से तैयार करेगा। दूसरा पाठ कैसा निकियों के नाम संत पौलुस को पूजा करके मसीह के दिन तक प्रभु आपके हृदयों को पवित्र बनाए रखे। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाए। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आ जाएगा। यह कुछ ऐसा है जैसा कोई मनुष्य विदेश चला गया हो, उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया, हर एक को उसका काम बता दिया और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक आ पहुंचे और तुम्हें सोता हुआ पाए, तो जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वह सब से कहता हूँ, जागते रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है।